गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स। आपने वीडियो में पिछले क्लास में पढ़ा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेफिनेशन के साथ साथ मैंने सारे प्रॉपर्टी के एग्जांपल आपको बताया था, उसमें आप सारे एक्सरसाइज को डील किए होंगे। आई होप दैट आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकेंड चैप्टर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट दैट मीन्स इसमें इंट्रोडक्शन चलेगा। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होगा? जैसे हम कोई टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो चैप्टर के अंदर जितने भी एक्सरसाइजेस हैं या फार्मूला है या आइडेंटिटीज है या लॉज है, जो भी है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वगैरह सारा से डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद उसे भी एग्जाम्पल से जब हम आपको समझाएंगे तो उसके बाद एक्सरसाइज को डील करने में हमें काफ़ी सहूलियत मिलेगी, अच्छा होगा, उसे अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन दैट मीन्स मैंने देखा, सबसे पहले एक एग्जांपल लेकर के हम आपको समझाते हैं ये एक्सपोनेंट क्या है। व्हाट इज एक्सपोनेंट? दैट इज 5 और मैंने इसमें 3 ले लिया, 5:3। दैट मीन्स दिस 5 इज कॉल्ड बेस एंड 3 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट दैट इज पावर, इसको पावर एक्सपोनेंट इज कॉल्ड आल्सो पावर। एंड 5 इज बेस, दैट इज बेस इज अंडर ए पावर, दैट मींस ये पावर के नीचे होता है। ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, यहां आपने देखा हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिया। एक्चुअली क्लास 7 में मैंने पॉजिटिव एक्सपोनेंट के बारे में डिस्कस किया। आप क्लास 8 में ज्यादातर हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को डिस्कस करेंगे। जैसे मैं लेता हूं 5 पर -3 पावर, दिस इज ये -3 पावर ऑफ। अब 5 -3 पावर को हम उसको पॉजिटिव में कैसे डिस्कस करें? इसमें एक रूल के हिसाब से जैसे मैं आपको a^-m, a^-a m एक्सपोनेंट है, इसको पॉजिटिव में करने के लिए इसको पॉजिटिव में दैट मींस इसको 1/m करना पड़ता है। ये पॉजिटिव में आ, इस तरह से नेगेटिव से हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक इस तरह से भी हम 5 को जैसे 1/3 की 1/3 पावर, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में जैसे कि इसको हमने किया था, जैसे कि 5 पर 3 रेज पावर है, 5:3 पावर है, 3 एक्सपोनेंट है, 3 टाइम्स मैं लिख सकता हूं 5:5:5, ये एक्सपोनेंट पावर। अब इसमें भी इसको हम करेंगे दैट मींस 5 पर ये 1/5 पावर है, 5:5:5 इस तरह से। ये नेगेटिव से इसको अपॉन करके पॉजिटिव में कर ले, पॉजिटिव से इसको एक्सपेंड कर इस तरह से, दैट इज कॉल्ड एज ये एक्चुअली ये एक फार्मूला एक आइडेंटिटी के रूप में है। अगर हम इसे याद रखते हैं तो इस फार्मूले के अंदर इस तरह के सम को हम सॉल्व कर सकते हैं। दैट लॉस ऑफ, अब इसको एक इसके बाद हम चलेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का लॉ क्या होता है? लॉस जो रूल होता है जो हम फार्मूला करें, इसमें फर्स्ट लॉ हम लेंगे जैसे a टू d m पावर मल्टीप्लाई a टू d n पावर, दैट मींस अटेंशन प्लीज दैट इज बेस, इसमें बेस जो है सेम है लेकिन पावर्स आर डिफरेंट एंड बेस आर सेम। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ये पावर बेस में पावर की बेस इक्वल है, बेस इन कॉमन है, सेम है, इसको हम a लिखेंगे। पावर डिफरेंट है तो जब प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई आएगा तो मल्टीप्लाई आने पर जो है पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड a टू द m प्लस n पावर, a रेज टू m प्लस n पावर भी इसको हम लोग कर। लेट अस कम टू द एग्जांपल, एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझेंगे। दैट मीन a 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई दैट मींस 2 टू द पावर 3 दैट इज 2:3। इस तरह से आप देख रहे हैं इस लॉ को हम लोग कवर कर a टू द m पावर 2 टू द -m पावर -2 पावर मल्टीप्लाई 2 टू द
3 पावर 2 रेस टू 3, इसको रूल के हिसाब से हम लोग चलेंगे, तो 2 ले लेंगे माइनस 2 प्लस 3, दैट मींस हो गया 2 पर पावर 1 हो गया, दैट मींस माइनस 2 प्लस 3, दैट मींस को माइनस करेंगे तो 3 में माइनस 2 जाएगा 1 बचेगा, ये पॉजिटिव रेस में आ गया। इस तरह से एक एग्जांपल मैंने पॉजिटिव लिया, एक एग्जांपल नेगेटिव भी लेकर आपको दिखाते हैं, नेगेटिव लेकर इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे 3 माइनस 4 पावर मल्टीप्लाइड बी माइनस 2 पावर माइनस या एक पॉजिटिव आप ले सकते हो, पॉजिटिव पावर भी लेके देख सकते हो, नेगेटिव पावर भी ले लेंगे। दैट मींस इसमें देख लीजिए आपको बेस सेम, दैट मींस इन ओम इसको हम ली लेंगे, ये माइनस 4 प्लस 2 दैट मींस 3 माइनस 2 दैट इज यहां एक्सपोनेंट माइनस में आ गया, नेगेटिव में आ गया, इसको हम लोग आउटपुट करेंगे। जैसे माइनस 2 माइनस 2 को ये एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए 1/2 दैट मींस आप 1/3 पर ये 3 रेज टू को पावर 2 है तो 2 टाइम्स 3 को 2 टाइम्स 1/9 इस एक नेगेटिव एक्सपोनेंट लेकर आपको दिखा है, दूसरा एक पॉजिटिव लेकर दिखा है। अगर नेगेटिव में एक्सपोनेंट हमारा आ जाता है तो उसको पॉजिटिव में कैसे डाउट करेंगे, इस रूल के माध्यम से हम कर सकते हैं। ये इसे आगे एक्सरसाइजेस में आपको कन्वर्ट करने के लिए रिलेट करने के लिए अगर दिया जाएगा तो ये फार्मूला से आप उसको बता सकते हैं। Let us come to the second point, second law. A to the m power divide a to the m power. That is the base same. उसमें first law में multiply था, इसमें division, divide. तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? जैसे इसको a common है, ये ले लेंगे, base same है। अगर divide है, हम लोग पावर को माइनस करेंगे, पावर माइनस होगा, सबट्रैक्ट होगा। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, एग्जांपल लेंगे 2 टू द माइनस 3 पावर और डिवाइड 2 टू द माइनस 2, एक प्लस में ले लीजिए, एक प्लस में हम लोग एक्सपोनेंट ले सकते हैं, दैट 2 कॉमन आ में माइनस 3 और एक डिवाइड में हम लोग माइनस, इसमें माइनस देंगे तो माइनस 2 आ गया, दैट मींस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें 5 हो गया, 3 टू 5 यदि माइनस है, स्पेशली इसमें जो लार्जर नंबर है जो माइनस में है वो सिंबल है। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि पावर पॉजिटिव में आया, 2 माइनस 5 पावर आया, इसको हम लोग अपॉन कर करके पॉजिटिव में डालेंगे, जैसे कि 2 पर माइनस 5 पावर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को 5 टाइम्स भी लिख सकते हैं या पॉजिटिव करके ये छोड़ भी सकते हैं, ये भी हो गया। तो ये सेकेंड लॉ हमारा प्रूफ हो गया। इस तरह से हम एग्जांपल लेकर के इसको समझा सकते हैं। लेकिन काम टू द थर्ड पॉइंट, a to the m power and m raised to n power, इस तरह ये भी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग एग्जांपल लेकर के प्रूव कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले ले, लेट अस कम टू एग्जांपल, जैसे हम लोग 2 लेते हैं, 2 टू द 2 पावर हो गया, 2 raised to माइनस 2 पावर हो गया 2। अब इसमें देखिए m, इसको हम लोग m n पावर प्रोडक्ट हो सकता है, ऐसे m टू द n पावर रेज पावर प्रोडक्ट हो गया, तो इसमें भी पावर प्रोडक्ट होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2 पर माइनस 4 पावर हो गया, 2 मार टू रेज टू माइनस 4 एक्सपोनेंट, दैट मींस इसको पॉजिटिव में करने के लिए 1/4 हो गया, दैट मींस ये भी आप इस तरह से एक से कॉमन पावर लेने पर एक्सपोनेंट को हम लोग ये कर सकते हैं। That has come to the fourth point. Four laws for chalenge. A raised to
m पावर मल्टीप्लाई b रेज टू m पावर। उसमें देखा आपने बेस अगर सेम तो पावर का एडिशन हो गया। फर्स्ट लॉ में आपने देखा था ये पावर डिफरेंट बेस सेम, इसको मैंने लिया था m प्लस n। देखिए इसमें बेस सेम नहीं, बेस डिफरेंट, तो बेस मल्टीप्लाई कर a मल्टीप्लाई कर b एंड पावर कॉमन है, पावर दोनों में सेम है, इसमें हम लोग m लेंगे। इसको हम लोग एग्जांपल लेकर के सीखेंगे 2 टू दी 2 पावर एंड मल्टीप्लाई 3 टू दी माइनस 2 पावर, सेम है, सेम पावर लेके देखेंगे 2 लेंगे। इसमें बेस सेम नहीं है, पावर मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई होगा और पावर कॉमन आ जाए 2, दैट मींस इसको हम लोग 6 पर 2 पावर लेंगे, दैट मींस 6 इनटू 6 कर सकते हैं 36। इस तरह से हम लोग इसको इवेलुएट कर सकते हैं। एक रूल के हिसाब से हमारा a टू बी m पावर मल्टीप्लाई b टू बी m पावर, तो a मल्टीप्लाई b एंड पावर इन कॉमन, a b इन पावर कॉमन रेज टू m। लेट अस कम टू द लास्ट पॉइंट, लास्ट क्लॉज a टू द m पावर डिवाइडेड बाय b टू दी m पावर। वहां मल्टीप्लाई था, पहले वाले रूल में बेस डिफरेंट था, फोर्थ नंबर में बेस डिफरेंट था, पावर इन कॉमन था, और इसमें ये है a टू दी m पावर डिवाइड b टू दी m पावर, वहां प्रोडक्ट था, तो हम लोग मल्टीप्लाई किए थे। इसको डिविजन के रूप में जैसे a डिवाइड बाय ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। इसमें चलेंगे a by b to the m power a by b, और m दोनों पर एक्सपोनेंट है, a पर b और b पर, इसको ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं और b पर m power लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। इस टर्म में रहेगा, इस टर्म में हम लोग कर सकते हैं। लेट्स कम टू दैट एग्जांपल, जैसे हम लोग 2 लेते हैं, 2 by 3 पर माइनस 2 पावर, दैट मींस 2 पर 2 पावर है, 3 पर 2 पावर है, तो 2 into 2 4 एंड 3 पर पावर 2 है, तो 9 हो गया। ऐसे इस तरह से हम लोग एक नेगेटिव वे, नेगेटिव एग्जांपल में नेगेटिव एक्सपोनेंट में भी ले लेंगे, जैसे 2 माइनस 2 पावर और डिवाइड बाय हो गया 3 माइनस 2 पावर, दैट्स इट। इस तरह से हम लोग फिर 2 by 3 पर माइनस 2 पावर कर लेंगे, तो दैट्स इट, 2 पर माइनस 2 पावर हो गया और 3 पर माइनस 2 पावर। अब हम लोग देख रहे हैं कि 2 पर माइनस नेगेटिव एक्सपोनेंट है, नीचे भी 3 पर माइनस 2 नेगेटिव एक्सपोनेंट, इसको पॉजिटिव में डाइवर्ट कर देंगे, इसका ओपन कर देंगे, रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको 3 वाले पोजीशन को ऊपर में ले आएंगे, ये 2 पावर हो जाएगा, और ऊपर वाले को फिर नीचे लाएंगे 2 पावर हो जाएगा, तो 3 पर 2 पावर दैट मींस 9 हो गया, 2 पर 2 पावर 4। इस तरह से हम लोग नेगेटिव एक्सपोनेंट को भी डील कर सकते हैं, पॉजिटिव एक्सपोनेंट को डील कर सकते हैं। ये हो गया आपका एक आइडेंटिटी, इसे हम लोग अच्छी तरह से अगर डिस्कस कर करके बनाएं तो एक्सरसाइज में आपको इस रूल पर कई सवाल आएंगे, उसको हम लोग डिस्कस करें। एक चीज लास्ट में और है, a टू दी 0 पावर इक्वल टू 1, लॉ के हिसाब से ही है कि a टू दी, दैट मींस a मींस एनी नंबर, एनी, जैसे 2, 2 पर 0 पावर 1 आ गया, लेट अस 10 टू दी 0 पावर दैट मींस 1 पावर माइनस 11 टू दी 0 पावर 1 पावर, दैट इज ये a टू दी 0 पावर, a टू दी 0 पावर इज इक्वल टू 1, इसको भी लर्न करेंगे, याद रखेंगे ये सारे रूल के हिसाब से कि आप एक्सरसाइज को आराम से डील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दैट्स ऑल राइट, बस सर 25 मिनट करना था, बस इतना हुआ 25 मिनट।